Today I want to share something that has touched my life in these days. और आज पासवान जी कुछ ऐसा बांटना जा रहे हैं जो कि इनके जिंदगी को इन दिनों में बहुत ही छुआ है। And I'm sure it will help many of you, those who are watching, listening to me wherever you are. और हमें पूरा यकीन है कि जो लोग देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगी, आपको छुएगा। I want you to turn your Bibles with me to the book of 1 Kings chapter 21 and verses 1 onwards. और चाहते हैं कि अपने बाइबल में निकाले समय पहले राजाओं की पुस्तक में उसके 21वें अध्याय में पहले वचन से। Now there was a man named Naboth who owned a vineyard beside the palace of King Ahab of Samaria. नाबोथ नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इजरायल में थी। Here we see two individuals. यहां पर हम देखते हैं दो व्यक्तियों को। We see a person called Naboth. एक व्यक्ति का नाम है नाबोथ। Who is the owner of a vineyard, and we see the king of Samaria, that's King Ahab. और नाबोथ जो कि दाख की बारी जिस का मालिक था, और दूसरा हम देखते हैं अहाब राजा को जो सीरिया का राजा था। Now let's go to verse 2 now. अब आइए पढ़ेंगे दूसरे वचन। One day Ahab said to Naboth, since your vineyard is so close to my palace, I would like to buy it and use it as a vegetable garden. इन बातों के बाद अहाब ने नाबोथ से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे महल के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। He said, I will give you a better vineyard in exchange, or I will pay you for it. मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, या फिर मैं तुम्हें दाम चुकाऊंगा। But Naboth replied, the Lord forbid that I should give this inheritance that was passed down by my ancestors. नाबोथ ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। You see, according to the law, और देखिए व्यवस्था के मुताबिक, a person was not supposed to sell his inheritance. और एक व्यक्ति को अपनी विरासत को बेचना नहीं होता था। This showed that Naboth was a God-fearing man. और इस बात से हमें दिखाई पड़ता है कि नाबोथ जो व्यक्ति था परमेश्वर का भय मानता था। But how did Ahab take it? Just read verse 4 now. लेकिन देखिए अहाब ने इस बात को किस तरह से लिया। चौथे वचन पढ़िए। Ahab went home angry and sullen because of Naboth's answer. और इसके बाद ऐसा होता है कि अहाब नाबोथ के उत्तर को सुनकर उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया। Now notice this man is a king. He's not some kid, okay? But he's behaving like a kid. और देखिए यह व्यक्ति जो था एक राजा था, वो एक बच्चा नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे के जैसा वो बर्ताव कर रहा है। The king went to bed with his face to the wall and refused to eat. Sounds like a kid to me. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि राजा अपने घर पर गया, अपने बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं किया। बच्चे जैसा दिखाई दे रहा है। What's the matter? His wife Jezebel asked him, "What's made you so upset that you're not eating?" तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, "तेरा मन इतना क्यों उदास है कि तू कुछ खा नहीं रहा है?" And verse 6 says, Now this is Ahab answering his wife. I asked Naboth to sell me his vineyard or trade it, but he refused. And this is what Ahab told his wife. और देखिए छठवें वचन में उसने कहा, देखिए वो अपनी पत्नी से कह रहा है यहाँ पर, उसने कहा कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोथ से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे दे, नहीं, लेकिन उसने मना कर दिया। I want you to listen very carefully to today's message now. और हम चाहते हैं कि आज के संदेश को आप बड़ी सावधानी से सुनिए। Now Ahab was angry because he was not able to get what he wanted so badly. और अहाब को गुस्सा आ गया क्योंकि जिस चीज की वो भारी कामना कर रहा था वो उसे नहीं मिल पाई। He was a king of the land. वो उस देश का राजा था। And he did not get it. और उसे मिला नहीं। So he felt probably he felt rejected. तो यकीनन उसने ठुकराहट को महसूस किया होगा। Now I want you to see something very powerful over there. और चाहते हैं कि आप कुछ सावधानी से देखें यहाँ। Though he was angry, हालांकि वो गुस्सा हुआ, he did not show his anger outwardly. लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं दिखाया। He turned this anger inwards. लेकिन अपने गुस्से को उसने अपने अंदर ही रखा। Anger turned inwards becomes self-pity. एक ऐसा गुस्सा जो आपके अंदर ही अपने लिए होता है, यह है खुद पर दुख मनाना। Anger outward और गुस्सा बाहर आना is different. यह अलग है। Anger turned inward gives rise to self-pity. और देखिए जो गुस्सा आपके अंदर ही चला जाता है, वो आपको एकदम अपने ऊपर मातम मनाने के लिए उकसाता है। I wanted to see this now. और चाहते कि आप इसे देखें। Notice it is called not just pity, it is called self-pity. और गौर करें यहाँ पर कि सिर्फ दुख मनाना नहीं लिखा है, लेकिन खुद पर दुख मनाना या खुद पर मातम मनाना। When one indulges in self-pity, जब कोई व्यक्ति अपने आप को खुद पर मातम मनाने के इस बात में लाता है, he or she is not feeling sorry for somebody else. तब वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उन्हें किसी और पर दया नहीं आती है। They are feeling sorry for themselves. वे हमेशा अपने ऊपर ही दया महसूस करेंगे। Self-pity is all about what happened to me, poor me. Nobody loves me. Nobody cares for me. This is self-pity. और देखिए खुद पर मातम मनाने का मतलब ये है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं बेचारा
गरीब अभागा पड़ा हुआ हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है, बस यही कहलाता है खुद परमात्मा मनाना। It's all about self. और ये सिर्फ अपने ही बारे में है। Please listen now. अब सुनिए ध्यान से। Let's define self-pity. चलिए हम इसे परिभाषित करते हैं, इसका मतलब क्या है? Self-pity is a desire that others should feel my brokenness. और देखिए खुद परमात्मा मनाना ये एक प्रकार की ऐसी तमन्ना या लालसा है कि दूसरे लोग मुझ पर तरस खाएं। They should feel my pain. They should feel my wounds. उन्हें मेरा दर्द महसूस होना चाहिए, उन्हें मेरे घाव महसूस होने चाहिए। And that's not all. और सिर्फ इतना ही नहीं। They should admire me. और उन्हें मेरी सराहना करनी चाहिए। Because of the way I was mistreated, and they should show me some sympathy. जिस बुरे तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ है, और ये उनको दिखाई देना चाहिए, और फिर मुझ पर वो एकदम तसल्ली या दिलासा भी दिखाएं। मुझ पर कोई तरस खाना चाहिए। मुझ पर कोई तरस खाए। You see, this is self-pity. और देखिए यही कहलाता है खुद परमात्मा मनाना। If you look at Ahab, he lay on his bed refusing to take food. और अगर आप गौर करेंगे अहाब पर, देखिए वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसने खाना पीना खाना ठुकरा दिया। Do you think he was thinking about Nabal? आपको क्या लगता है वो नाबोत के बारे में सोच रहा होगा? Did he think about Nabal's perspective? Why he did that? Probably because the word says, the law says. No, he didn't think about that. All he thought was of himself. और आपको क्या लगता है उसने सोचा होगा कि नाबोत ने ऐसा क्यों किया, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वचन के मुताबिक, ये व्यवस्था के मुताबिक उसने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, वो तो बस सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। So you see, self-pity is all about self. तो आप देखते हैं खुद पर मात मनाना सिर्फ अपने ही और खुद के बारे में ही है। Let me go to the second point. चलिए जाते हैं इस वक्त हम दूसरे मुद्दे पर। What is the difference between compassion and self-pity? Write this down. और देखिए तरस और खुद पर मात मनाने के बीच में फर्क क्या है, लिख लीजिए। You see, compassion is a gift that God has blessed and placed within each one of us. और देखिए तरस एक ऐसा वरदान है जिसे परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और हम में से हर एक के अंदर रखा है। We use this compassion to show our feelings to towards somebody. और देखिए हम इस तरस का इस्तेमाल करते हैं किसी के प्रति अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी भावना दिखाने के लिए। To help somebody who's hurting, who's in pain, who's in trouble, we show compassion from to those people. और कोई घायल है या कोई चोट खाया हुआ है, कोई मुसीबत में है, तो हम उनकी मदद करने के लिए देखिए उन लोगों तक हम अपने तरस को दिखाते हैं। Compassion flows from inward to outward. That's the right way. तरस जो होता है अंदर से बाहर की ओर बहता है, ये सही तरीका है। But compassion, लेकिन हम देखते हैं वही When it turns inward, जब ये अंदर ही मुड़ जाता है, are you listening right क्या सुन रहे हैं? From inward, it's going more inward. It becomes self-pity, and it has a very crippling effect on a person's life. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, जब तरस जो है बाहर जाने के बजाय अंदर ही चला जाता है, तो वो और भी अंदर और अंदर गहराई में चला जाता है। It destroys a person. देखिए वो उस व्यक्ति को पूरी तरह से नाश करके रख देता है। It's very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक। I want you to listen to this because today many of you will find answers to the problems that are plaguing you for years. और चाहते हैं कि आप बड़े सावधानी से सुने, क्योंकि आज आपको आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान मिलने जा रहा है जो सदियों से या सालों से आपको पकड़े रखी थी। Let me go to the next point right now. चलिए जाने दूसरे मुद्दे पर। The dangers of dwelling in self-pity. खुद पर मातम मनाने वाली इस आदत में बने रहने का खतरा क्या है? You know, the Bible says in the book of Galatians. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है गलातियों की पत्री में। The Bible says it describes the works of the flesh. और देखिए बाइबल में गलातियों की पत्री में इसे परिभाषित किया गया है कि यह शरीर के काम है। Alright. Self-pity is a work of the flesh. खुद पर मातम मनाना यह शरीर का कार्य है। And whenever we operate in the flesh, there will be some serious consequences. और जब कभी देखिए हम शरीर में काम करते हैं, तो इसके कुछ गंभीर नतीजे निकलेंगे। The first one. पहला है। Write this down. लिख लीजिए। Dwelling in self-pity will cause you to hear the wrong voice. Come on. खुद पर मातम मनाने की जब आप इस आदत में बने रहते हैं, तो ये आपको मजबूर करेगी गलत आवाजों को सुनने के लिए। You see. अब देखते हैं। Our entire Christian walk. हमारा पूरा मसीही चाल is dependent on our hearing. ये हमारे सुनने की बात पर निर्भर है। Our hearing on the right voice. कि सही आवाज को हम सुने। You see, Jesus spoke about this. देखिए यीशु ने इसके बारे में कहा। He said, "My sheep." यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें। Hear my voice. सुनती हैं मेरी आवाज। And guess what? और सोचिए। They follow me. मेरे पीछे वे चलती हैं। In other words, दूसरे शब्दों में, to have a right fruitful walk, the right Christian walk, you need to hear. Come on, hi. आपके पास सही मसीही जीवन होने के लिए, सही मसीही फलवंत चाल होने के लिए आपको सुनना जरूरी है। You see Peter? आप देखते पतरस को। He was in a problem. वो मुसीबत में था। Now,
many people in this world, we will have problems, we will have tribulations, but be of good cheer. Jesus said, I have overcome the world. Come on. इस संसार में हमें क्लेश होता है, समस्याएं हमारे सामने आती है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु ने ये भी कहा कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. What happens? क्या होता है? Peter begins to hear the voice of the Lord. पत्रस प्रभु की आवाज सुनने लगता है. He starts overcoming his problem. फिर उसके बाद वो अपनी समस्या पर जय पाने लगता है. Look at the Bible. बाइबल में देखिए. Everyone who overcame was a person who heard the voice. Come on. हर एक व्यक्ति जो जय पाया वो ऐसा व्यक्ति था जिसने आवाज को सुना. Saul became Paul. शाऊल पौलुस बना. How? कैसे? He heard the voice. उसने आवाज को सुना. I believe somebody is going to hear the voice today. और come on. यकीन है कोई तो आज आवाज सुनने जा रहा है. Say, Lord, give me listening ears. बोलिए प्रभु मेरे मुझे सुनने वाले कान. It doesn't matter what your level in society. You are going to the higher level. Come on. इससे फर्क नहीं पड़ता आप समाज में किस स्तर पे हैं. आप ऊंचाई वाले बुलंदी के स्तर पे जा रहे हैं. Dwelling in self-pity. Self-pity यानी खुद के माता में बने रहना. Will cause you to hear the wrong voice. देखिए यह आपको उकसाएगी कि आप गलत आवाज सुने. Pastor, what do you mean the wrong voice? पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या गलत आवाज? See, your success, your reaching, your fulfilling your calling depends on you hearing the right voice. देखिए आप अपनी बुलाहट को पूरा करते, अपने कामयाबी को पूरा करते, ये आप पर निर्भर है कि आप सही आवाज को सुने. When Ahab was feeling sorry for himself, जब आहाब अपने लिए ही अपने ऊपर दुख मना रहा था, what was the first voice he heard? तो पहली आवाज उसने क्या सुना? It was not the voice of an angel. ये किसी स्वर्गदूत की आवाज reassuring him. जो उसे आकर आश्वासन दे रहा हो. Second, दूसरा, he did not hear the voice of a prophet directing him. No. और ना ही उसने किसी भविष्यवक्ता की आवाज को सुनी कि वो उसे मार्गदर्शन कर रहा हो. There was a ministry of prophet Elijah in those days. उन दिनों में भविष्यवक्ता एलिया की सेवकाई हुआ करती थी. It was not also the inward voice of the Holy Spirit that speaks to us regularly. Come on. और ना ही ये पवित्र आत्मा की आवाज थी जो हमारे अंदर हमारे आत्मिक मनुष्यत्व में निर्मित होकर बोलती है. To go on. और हमें हौसला देती है कि आगे बढ़ने की. The first voice that Ahab heard was the voice of Jezebel. और listen. पहली आवाज जो आहाब ने सुना था वो थी इजेबेल की आवाज. Jezebel was a very evil person. और इजेबेल जो थी बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थी. She did not believe in the living God. वो जीवित परमेश्वर में विश्वास नहीं. She was into worship of Chemosh and Baal and all that stuff, you know. और वो Chemosh और Baal देवता सब की वो आराधना किया करती थी. She was living a complete a lifestyle that was completely opposite to the living God. और वो एक ऐसी जीवन शैली के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रही थी जो जीवित परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ में है. And this is the kind of voice that Ahab hears. और इस तरह की आवाज को आहाब सुनता है. Now what does she do? और वो क्या करती है? She speaks to Ahab. वो आकर आहाब से बोलती है. She works behind the scenes. She works wickedly and falsely accuses Naboth. और देखिए और वो पर्दे के पीछे गुप्त रीति से काम करके पूरी तरह से नाबोत पर झूठा आरोप लगाती है. She accuses Nabot of blasphemy against God and the king. और देखिए नाबोत पर वो झूठा आरोप लगाती है कि उसने राजा और परमेश्वर के खिलाफ में झूठी बातें कही हैं. And according to the law of those times, और उस समय काल के व्यवस्था के मुताबिक, he was stoned to death. ऐसा करने पर उसे पत्थर वाह करके मार डाला जाता. Imagine an innocent man. जरा कल्पना करें एक बेकसूर आदमी was killed. मार डाला गया. No doubt Jezebel made Ahab feel good and you know she got him Naboth's vineyard, but because of this thing Ahab was in serious trouble with the Lord. और कोई हैरानी की बात नहीं कि इजेबेल ने ऐसा काम करके आहाब के लिए तो आरामदायक और सुविधाजनक बातों को सामने पेश कर दिया और उसे नाबोत की दाख की बारी भी मिल गई, लेकिन ऐसा करने की वजह से आहाब परमेश्वर की नजर में बहुत गंभीर पाप का अपराधी बना. You see, when a person dwells in self-pity, देखिए जब कोई व्यक्ति खुद पर मातम मनाने की आदत में पड़ता है, he or she begins to hear voices in their minds. वे अपने मन में, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वे अपने मन में ऐसी आवाजें सुनते हैं. Let's say you are a man. मान लीजिए आप कोई मर्द हैं. And you start begin to hear voices. और आप आवाज सुनने लगेंगे. Oh, your wife really does not appreciate you. Oh, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी तारीफ ही नहीं करती. Look at that person in the office. How she always appreciates you. और ऑफिस में कि उस महिला को देखो, उस व्यक्ति को देखो, जो कैसे हमेशा तुम्हारी सराहना करती रहती है. Let's say you are a woman. मान लीजिए आप कोई महिला. You begin when you are dwelling in self-pity. जब आप खुद के मातम मनाने वाली आदत में. You will hear such voices. आप ऐसी आवाजों को सुनेंगे. See, in spite of doing so much. और देखिए इतना सब करने के बावजूद, your husband never really appreciates you or respects you. तुम्हारा पति कभी तुम्हारी तारीफ या सराहना नहीं करता, तुम्हारे आदर नहीं करता. But look at that man. लेकिन उस आदमी को देखो. He is so much so good. He is so kind and caring. और वो कितना अच्छा है तुम्हारे प्रति, तुम्हारी कितनी परवाह करता है वो. These are the kind of voices that people begin to hear when they are dwelling in self-pity. इस तरह की वे आवाजें हैं जब लोग सुनने लग जाते हैं, जब वे खुद के ऊपर मातम मनाने लगते हैं. No, not only young people, when they are dwelling in self-pity, they begin to hear
hears these voices, no one loves you. और सिर्फ नौजवान लोग ही नहीं, लेकिन हर कोई जब इस प्रकार के खुद के पर मातम मनाने की आदत में फंसते हैं, तो वह ऐसी आवाज़ें सुनते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता. No one cares for you. किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है. Now listen. अब सुनिए. These are the lies of the devil. देखिए ये सारी बातें शैतान की झूठ हैं. But many people buy into those lies. लेकिन बहुत सारे लोग इस झूठ को अपना लेते हैं. You see, when you are in self-pity. आप देखते हैं जब आप खुद के पर मातम मनाने की आदत में होते हैं. You hear the wrong voice. आप गलत आवाजों को सुनेंगे. You hear the wrong voice. आप गलत आवाजों को सुनेंगे. I'm serious. गंभीरता से कह रहा हूं. Now there is another voice. और दूसरी एक आवाज है. That speaks to the people when they are in problems. जब लोग समस्याओं में होते हैं तब लोगों से बात करती है. This voice tells them. ये आवाज उनसे बोलती है. The problem that you are going through. जिस समस्या और परेशानियों में से तुम जा रहे हो. No one is going through such kind of a problem. और इस प्रकार के समस्या में से कोई भी नहीं गुजर रहा. You are the only one. तुम ही अकेले व्यक्ति हो. This problem nobody has. ये समस्या किसी के पास भी नहीं. And you begin to believe that. और आप उस पे यकीन मानने लगते. You say, my goodness. और आप कहते हैं, अरे बाप. My problem. मेरी समस्या. Nobody has such kind of problem. ऐसी समस्या तो किसको भी नहीं है. In this entire India, maybe nobody has a problem like mine. इस पूरे भारत देश पे मुझे नहीं लगता किसी के पास मेरे जैसी समस्या होगी. And you begin to get into self-pity. और फिर आप खुद पर मातम मनाने लगते हैं. The moment you get into self-pity, जिस पल आप खुद पर मातम मनाने लगाते हैं, you cannot hear the voice. आप आवाज नहीं सुन पाएंगे परमेश्वर. You begin to hear all these voices. आप ये सारी नकारात्मक आवाजों को सुनेंगे. You know what the truth is? आप जानते हैं सच्चाई क्या है? 1 Corinthians 10:13 says that these temptations, the trials in your life, they are no different from what others are experiencing and have had experience. Are you listening? आप सुन रहे हैं इस समय, ये परीक्षाएं, ये सब प्रकार के समस्या जिनमें से तुम अपने जीवन में जा रहे हो, दूसरे लोगों ने इसका अनुभव कर सकते हैं. Yes. और किए भी हैं. People are going through it. लोग इसमें से जा रहे हैं. People are going through worse issues. लोग तो इससे भी बदतर मामलों में से जा रहे हैं. But because a person entertains self-pity. लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति खुद पर मातम मनाने वाली बात का मनोरंजन करता है, मजे लेता है. They cannot hear the voice of God and they begin to hear all other voices. तब वे परमेश्वर की आवाज़ तो नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरी सभी आवाज़ों को वे सुनेंगे. Be careful. सावधान रहिए. You see, the enemy is so deceptive, he disguises. आप देखते हैं कि शत्रु जो है एकदम भरमाता है, वो तुच्छ ले लेता है. He disguises God's voice. देखिए, वो परमेश्वर की आवाज़ को घटा देता है, उसे तुच्छ कराता है. You need to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना है. Say, Lord, teach me your ways, O God. आपको कहना है, प्रभु मुझे तेरे मार्ग सिखा. So the first thing, तो पहली चीज़, dwelling in self-pity will cause you to hear the wrong voice. और देखिए, खुद पर मातम मनाने की इन बातों में फंसे रहने से आप गलत आवाज़ों को सुनेंगे. Then let's go to the point number two now. चलिए हम जाते हैं दूसरे मुद्दे पर. Dwelling in self-pity will cause you to make foolish choices. खुद पर मातम मनाने की इस आदत में बने रहने से क्या होगा कि आप बेवकूफी भरे फैसले करेंगे. Since indulging in self-pity is not a spiritual act. और क्योंकि खुद पर मातम मनाते रहना ये कोई आत्मिक कार्य नहीं है. It's a work of the flesh, I told you before. जैसे पहले आपसे हमने कहा कि ये तो शरीर के काम है. But it involves a lot of emotions. लेकिन इसमें बहुत सारी जज्बात और भावनाएं शामिल होती हैं. And it puts us in a state of extreme vulnerability. और देखिए ये हमें एकदम अत्यधिक नाजुक दौर में या स्तर में ले आती है. And when our emotions inside are churned, you know, और फिर हमारे अंदर बने रहते हैं. We begin to make irrational choices. We begin to make immature choices. तब इसके बाद हम तर्कहीन चुनाव करने लग जाते हैं. अपरिपक्व चुनाव हमसे होने लगते हैं. Somebody recently wrote to me. और किसी ने हाल ही में लिखे पासवान जी को. My wife does not give me the affection that I desire. मेरी पत्नी जिस प्रकार का स्नेह मुझे चाहिए वो मुझे देती नहीं. And I began to feel sorry for myself. और मैं अपने ऊपर दुख महसूस करता हूं. I get these letters, emails from so many people. ऐसे पत्र, ऐसे emails कई लोगों से आते हैं. Maybe you have said like that. शायद हो सकता है आपने भी ऐसा कहा हो. Wife, you must have said like that. Oh, my husband doesn't give me the needed affection, the needed love. So what happens is we begin to look outward. श्रीमतियों, आपने भी ऐसा कहा होगा कि आपका पति आपको वो प्यार और स्नेह नहीं देता जिसकी आप कामना करती हो. तो क्या होता है, ऐसा होने के बाद हम बाहर ढूंढने लगते हैं. This person wrote, he says, I found somebody who listens to me, who is so caring, and you know what? This person fell into sin. फिर उस व्यक्ति ने ऐसा लिखा कि मुझे वो बाहर एक व्यक्ति मिल गया जो बहुत ही मेरी तारीफ करता, मेरे परवाह करता. इसके बाद क्या होता है कि वे पाप में गिरे. You see, when a person's emotions are churned, देखिए जब एक व्यक्ति की भावनाएं अंदर ही घुल मिल जाती हैं, that person is in self-pity.
वो व्यक्ति जो है खुद पर मातम मनाने लगता है. They don't make the right choices. तब वे सही चुनाव नहीं करने लगते. Now I'm not saying this to point fingers at anyone, but this is to help you in your walk, in your destiny as an overcomer. देखिए यह किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन यह आपकी मदद करने के लिए है कि आप अपने विधान को पूरा करें एक जयवंत व्यक्ति के रूप में. You see Esau. आप देखते हैं एसाव. He came after the hunt. और देखिए वो शिकार करके आया. He told Jacob. उसने आकर याकूब से कहा, I'm dying. मैं मर रहा हूँ. Question. सवाल. Was he really dying? क्या सचमुच वो मर रहा था? No. नहीं. He must have felt. Frustrated, things did not work out in his hunt, in his business, and he says, "No, everything is gone. Just give me." And you know what? That's the time he made a wrong choice, and he traded off his entire inheritance. और देखिए, चीजें जो उसके जिस तरह से उसने कामना की वैसे नहीं हुआ होगा, वो हताश वहाँ पर हो गया होगा, लेकिन उसके बाद आकर वो कहता है कि उसने कहा मुझे ही दे दे, उसके बाद उसने अपना अधिकार जो विरासत का अधिकार उसे तुच्छ गिन लिया. Are you listening right now? Self-pity is holding back many individuals from growing into their full maturity in the Lord. Come on, somebody. और देखिए खुद पर मातम मनाना ये आदत जो बहुतों को प्रभु में जो उनके बुलाहट के साथ परिपक्व में पहुंचने से रोक दिया है. Paul said, पौलुस ने कहा, I pray that you may be filled with the fullness of God. मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की परिपूर्णता तक भर जाओ. You know, I was meditating upon this. आत्मा जी इस पर मनन कर रहे थे. And the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, Self-pity will stop you from entering into my fullness. खुद पर मातम मनाना जो है ये तुम्हें रोक कर रख देगी कि तुम मेरी परिपूर्णता में कदम न रख सको. And that's the time you make wrong decisions. और इसी समय पर आपसे गलत चुनाव हो जाते हैं. People will let you down. लोग आपको नीचे डालेंगे. And then you say, oh, I am doing such a good work and these people don't understand me. You see, now what are you doing? It's the truth, but you are in self-pity. आप कहेंगे, ओ मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी समझते ही नहीं. आप क्या कर रहे हैं? आप खुद पर मातम मना रहे हैं. That's not what God wants you to do. देखिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये करें. This stops you from entering into the maturity, into the fullness of the Holy Spirit. Come on, somebody. ये आपको रोकती है कि आप परिपक्वता में कदम न रख सके, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ना आ सके. The devil disguises it. You are going through so much, and you this thing and that thing. This is so dangerous. देखिए शैतान आपको किसी न किसी तरह से पूरा यकीन दिला देता yes. है कि आप ही सबसे बड़ी समस्या में से जा रहे हैं, कोई समझता नहीं है, और ये बहुत ही खतरनाक है. Listen carefully now. ध्यान से सुनिए. Go with me to the third point right now. चलिए जाएंगे तीसरे मुद्दे पर. You see, dwelling in self-pity will make you a breeding ground. देखिए खुद पर मातम मनाना ये आपको एक प्रजनन जमीन जैसा बनाएगा. Now most of us know it. और हमें ज़्यादातर When water is stagnant. जब पानी ठहरा रहता है. It's a breeding ground for mosquitoes and other things, you know. तो देखिए वो प्रजनन जमीन बन जाती है कि उसमें कीटाणु और मच्छर सब. It never produces life. ये जीवन उत्पन्न नहीं करती. You see, so dwelling in self-pity will make you stagnant. It will make you a breeding ground for the wrong things. तो देखिए जब आप खुद पर मातम मनाते रहते हैं तो यह आपको ठहरा कर रख देगा, आपको गलत चीजों के लिए प्रजनन जमीन बना देगा. Now why do I say that self-pity will make you stagnant? Please listen now. क्यों आपसे ये कह रहे हैं कि खुद पर मातम मनाना यह आपको ठहरा कर रख देगी? Self-pity will always dwell in the past. खुद पर माता मनाना हमेशा जो अतीत में निवास करना. It never talks about the future. ये कभी भविष्य के बारे में नहीं बोलती. It stops you from being who God has called you to be. और देखिए ये आपको रोक देती है वो होने से जिसे होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया. Oh, this happened and you know I told them, but you know what? I was right. You see, this happened and you know, why don't you understand what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा जो मैं कह रहा हूँ? It will breed in you hatred, bitterness, unforgiveness, and the list can go on. और देखिए ये आपके अंदर नफरत को, कड़वाहट को, अक्षमा को भर देगा और ये सूची जो है लंबी चलती जाएगी. एंगर, गुस्सा. What is anger? गुस्सा क्या? It's like you know telling somebody this they didn't do it what I said and you're angry. It's self-pity actually. और गुस्सा मतलब आप कहते हैं कि ओ मैंने उसको बताया था, उन्हें उनसे कहा था मैंने ऐसा करने के, लेकिन उन्होंने किया नहीं, और आप गुस्सा हो जाते हैं. दरअसल ये खुद पर मातम मनाना है. You see, it will create in you a victim mentality. और ये आपके अंदर एक शिकार की मानसिकता उत्पन्न करेगी. And you start begin to say like this. और फिर आप ऐसा कहने लगेंगे. You don't say it sometimes. और कभी-कभी आप बोलते तो नहीं है. But inwardly it's like this. लेकिन अंदर ही अंदर है. I have a right to be bitter. और मेरे पास कड़वाहट से भरने का. I have a right to be angry.
गुस्सा होने का मेरे पास अधिकार है. Because you see what he did to me, you see what she did to me, and what they did to me. और तुम देख सकते हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या की. A victim mentality. एक शिकार की मानसिकता. Can I tell you, you are not a victim. आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त, आप एक शिकार नहीं है. You are a victor in Christ. Come on, hallelujah. Somebody shout hallelujah. Some of us sometimes say, why should it always happen to me? और देख, हमें से कुछ लोग कभी-कभी ऐसा कहते हैं, क्यों ये हमेशा मेरे साथ ही होता है? And what we do is we replay that offense, we replay that hurt. और क्या होता है कि देखिए वो ठेस, वो घाव, वो चोट को ही हम वापस दोहराते रहते हैं. You know, in the old, you know, you had a small cassette player. Nowadays, देखिए पुराने जमाने में हमारे पास एक कैसेट प्लेयर हुआ करता था. And you hit the rewind button. और आप उस rewind button को दबाते हैं. And it would again play. और फिर से वो चलता था. I don't know if you know what I'm talking about. समझ में नहीं आ रहा कि आपको पता है या नहीं. You know, so as we rehearse it. तो जैसे हम वापस चलाते हैं. The devil comes. शैतान आता है. And adds more suggestions. और आकर कुछ अपने और सुझाव उसमें जोड़ देता है. And now the problem seems worse than it was before. तो अब समस्या पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो गई है. Please listen to me. ध्यान से सुनिए. I'm not trying to ridicule anybody or minimize your pain or your suffering. No, I'm not doing that. और देखिए किसी को दर्द या भावनाओं को घटाने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, किसी को निंदा करने के लिए नहीं कह रहे हैं. I speak the truth in love. और सच्चाई को बता रहे हैं वो भी प्यार के साथ. I want to tell you that if you continue to dwell in self pity, it's like a trap that it will take you further. Down. और आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लगातार खुद पर ही मातम मनाने की आदत में फंसे रहेंगे, तो ये एक प्रकार का फंदा होगा जो आपको लेके जाएगा नीचे और नीचे और नीचे. See, self-pity is addictive. It's addictive. आप देख सकते हैं कि खुद पर मातम मनाना ये एक प्रकार का व्यसन जैसा है. Yes, addictive. Because what happens is people come and start sympathizing you. क्योंकि क्या होता है, लोग आकर आपको तरस दिखाएंगे या दिलासा तसली देंगे. It's very addictive. और ये बहुत ही अच्छा लगने जैसा लगा. And it becomes a habit. और फिर उसके बाद ये एक आदत बनती है. Watch this. सुनिए. And when it becomes a habit, और जब ये आदत का रूप लेती है, it becomes part of you. ये आपका हिस्सा बन जाती है. Please listen what I have to say. अब ध्यान से सुनिए जो कह रहे हैं. It becomes ingrained in your DNA. और ये आपके अंश में जो होता है, DNA में समा जाएगा. And you pass it to the next generation. उसके बाद आप इसे अगली पीढ़ी में भी भेजेंगे. Now because you carried that self pity, और क्योंकि आप उस खुद पर मातम मनाने वाली भावना को लेकर चले, you cannot relate to the people even whom God has connected you with. तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे, यहां तक कि उन लोगों से भी नहीं जुड़ पाएंगे जिनको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. You will disconnect from the very people God has called you to be with. आप उन्हीं लोगों से कभी-कभी अपने आप को अलग कर लेंगे जिनको दरअसल परमेश्वर ने आप ही के लिए रखा है. You see, Esau was and Jacob were brothers. आप देखते हैं एसाव और याकूब ये दोनों भाई थे. But Esau dwelt intentionally in self-pity. लेकिन हम देखते हैं कि एसाव जो है खुद पर मातम मनाने वाली बातों में बना रहा. And it was ingrained inside of him. और ये उसके अंदर समा गया. And you know what? और आप जानते क्या हुआ? He rejected his own brother Jacob. अपने सगे भाई याकूब को उसने ठुकराया. Many prophets prophesied. कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की. Esau built a kingdom called Edom. और एसाव ने एक राज्य बनाया एदोम नाम Today, का. लेकिन आज this Edom no longer exists. ये एदोम नामक नगर कोई बना हुआ नहीं है. Now it's Jordan, but there is no Edom as such. और आज जॉर्डन तो है लेकिन एदोम जैसा कोई जगह नहीं है. There's no language of it. और उसकी कोई भाषा नहीं बची है. How did it all begin? कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ? It began when one man Esau began to feel sorry for himself and he wallowed in self-pity. Oh, my brother did this to me. Oh, he saw this, he stole this and that. He never looked to God. Come on. ये शुरू हुआ एक व्यक्ति एसाव के वजह से जो हमेशा अपने ऊपर खुद पर मातम मनाता रहा. ओ मेरे भाई ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे ही मनाता रहा लेकिन कभी परमेश्वर से जुड़ा नहीं. Joseph brothers put him so much of trouble, but he never wallowed in self-pity. Come on, somebody is receiving now. और हम देखते हैं यूसुफ जिसके ऊपर उसके भाइयों ने इतना सब कुछ किया लेकिन कभी भी वो खुद पर मातम मनाने की भावना में नहीं आया. Job was never in self-pity. अय्यूब भी कभी खुद पर मातम मनाने नहीं बैठा. Come on, you need to receive this. आपको ग्रहण करना है. Mary was never in self-pity. मरियम कभी भी खुद पर मातम मनाने वाली बात में नहीं आई. Oh Lord, हे प्रभु, I have carrying your son. Look what the people are saying. No. आपके पुत्र को लिए हुए हो अपने गर्भ में और देखो लोग मुझसे मेरे बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं. कभी उसने ऐसा नहीं कहा. Hallelujah. You never see Paul wallowing in self-pity. Come on. आप कभी नहीं पाएंगे पौलुस जो खुद पर मातम मनाता रहा हो. He says, I am more than a conqueror. उसने कहा मैं जयवंत से बढ़कर हूं. You see, when you wallow in self-pity, it becomes part of you. You're always complaining, grumbling, and guess what? Who you are, you will reproduce. और देखिए जब आप खुद पर मातम मनाते रहेंगे तो क्या होगा कि आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, आप शिकायत करते रहेंगे और सोचिए क्या होता है, जो आप हैं वही आप उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे. Some people have lived so long in self-pity that it becomes part of their identity, it becomes part of them.
और देखिए कुछ लोग खुद के मातम बनाने वाली इस आदत में इतने लंबे समय से रहे कि ये उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया। Okay, let me go further right now. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Pastor, isn't there a time to grieve? पासवान जी, क्या शोक मनाने का ऐसा समय नहीं होता? Doesn't the Bible say so? क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती? Does it mean that we shouldn't show our emotions? क्या बाइबल ऐसा नहीं बताती है कि कभी हमें अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना चाहिए? Go to Ecclesiastes 3 and verse 4. और चलिए निकालेंगे सब सबूत देश की पुस्तक में उसका तीसरा अध्याय उसका चौथे वचन। Scripture tells us. और वचन वहाँ पे ऐसा लिखा है। That there is a time to weep. Yes. रोने का समय है। There is a time to mourn. मातम मनाने का समय है। There's no denial of this biblical truth. और देखिए बाइबल की सच्चाई को ऐसा ठुकराने या इंकार करने वाली कोई बात नहीं है इसमें। But, लेकिन hold on. The Bible says in 2 Corinthians 7:12 there is godly sorrow and there is worldly sorrow. और बाइबल ऐसा कहती है दूसरा कुरिन्थियों 7वें अध्याय 10वें वचन में कि एक भक्तिमय दुख होता है और फिर एक सांसारिक दुख होता है। Godly sorrow leads you in the ways of God. It leads you into repentance. और जो भक्तिमय जो दुख होता है यह परमेश्वर की ओर आपकी अगुवाई करती है, पश्चाताप की ओर ले जाती है। And worldly sorrow leads you to death. और यह सांसारिक जो दुख होता है यह आपको मौत की तरफ ले जाती है। So this tells me. तो यह हमें बताती है। There is a healthy weeping. तो एक स्वस्थ तरीके का रोना है। And there is an unhealthy weeping. और एक बुरे तरीके का रोना भी। Even medical science proves this. और देखिए वैदिक विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। So a proper release of wounded emotions is healthy. तो हम देखिए भावनात्मक जो घाव को सही तरीके से जब आप इसे जाहिर करते तो सही है। But when a person indulges in unhealthy weeping by wallowing in self-pity, that's dangerous. लेकिन जब एक व्यक्ति बुरे तरीके से गलत रीति से अगर रोता है या पश्चाताप करता है, शोक मनाता है, यानी कि खुद पर मातम बनाने वाली बात इसमें लागू होती है तो बहुत खतरनाक है। Oh, I'm so alone now. Nobody loves me, and you start crying over that. Oh. मैं बहुत ही अकेला पड़ा हुआ, किसी को मेरी परवाह नहीं, आप इसी पर रोते मना रहते हैं, शोक मनाते रहते हैं। You see, sometimes we cry over what we have lost, and there's nothing wrong with that. But if you continue in that, it's dangerous. देखिए कभी-कभी हम उन चीजों पर रोते रहते हैं जो हमने गवाया है, और इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन अगर आप उसी में बने रहेंगे तो बहुत खतरनाक है। Please listen to me carefully. मेहरबानी कर ध्यान से सुनिए। Self-pity is a virus that will kill you from the inside out. खुद पर मातम मनाना ये एक प्रकार का वायरस है जो आपको अंदर से बाहर के लिए खत्म कर देगा। You may think, oh, this, many people say, when you cry, it's inner healing. But if you're crying for the wrong reason, it can be devastating. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप रोते हैं, अंदरूनी चंगाई मिलती है. लेकिन अगर आप गलत चीजों के लिए रो रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक, बुरी बात है. If you read Ruth chapter 1, verses 5 and 7. अगर आप पढ़ेंगे रूथ के पहले अध्याय, उसके पांचवें वचन से सातवें वचन में. Ruth lost her husband. रूथ के पति का देहांत हो गया था. It's very difficult to lose somebody. और किसी को गंवाना बहुत ही मुश्किल है. You never see that person again on this earth. आप उस व्यक्ति को दोबारा इस धरती पर नहीं देखेंगे. You see, but Ruth rose from that place of grieving, and she went to what God had called her. Come on, somebody, you're receiving this. देखिए रूथ उस शोक मनाने वाले स्तर से उठकर आगे गई जिसको होने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था. Which Ruth am I talking to? किस रूथ से हम बोल रहे हैं? You see, she rose from a place of mourning. She rose from a place of grieving, and she went towards what God had kept for her. Church of God, rise up. Rise up from the self-pity. Rise up from that mourning. Rise up from that ashes. God is ordained, kept something big for you. और देखिए वो अपने शोक मनाने वाली भावना के उस स्तर से उठकर वो आगे गई जिसे होने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था. कलीसिया अपने मातम मनाने वाली जगह से उठ जाए, अपने शोक मनाने वाली बात से उठ जाए, परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा कर रहा है. How do you overcome this self-pity? कैसे आप इस पर जय पाएंगे? I want to share with you right now. आपसे बांटना चाहते हैं. People of God. परमेश्वर के लोगों. What I'm sharing with you is not just textbook stuff. I went through this. और देखिए जो आपसे बांटा जा रहा है ये कोई पुस्तक की चीजें नहीं है, ये बात बताते हैं कि खुद भी इस दौर से गुजरे हैं. Okay, how do you overcome self-pity? कैसे आप खुद पर मातम मनाने भावना से जय पाते हैं? सुनिए. You make your choice to rejoice. आप अपना चुनाव करें आनंद मनाने का. And may I add this? और मुझे जोड़ने दीजिए. No one can make that choice for you. दूसरा कोई इंसान आपके लिए चुनाव नहीं कर सकता. You have to make that choice personally to rejoice. आपको खुद के लिए, ताकि आप खुद आनंद मना सके, ये चुनाव करना है. Acts 16 verses 22 onwards. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 16वें अध्याय में. I'm reading from the New Living Translation. पढ़ेंगे इस समय 22वें वचन से. A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them, watch this, strip them and beat them with wooden rods. My goodness. तो भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हकीमों ने देखे उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की छड़ी मारी. They were severely beaten and thrown into prison. और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था और बंदीगृह में फेंका गया. And if that was not all, the jailer ordered them to make sure they didn't escape, as if they were criminals. और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, दारोगा ने इस बात की भी
आज्ञा दे के रखी थी कि वो भागने ना पाए जैसे कि वो बहुत बड़े मुजरिम थे. So they were put in the inner dungeons. They clamped their feet in the stocks. और फिर इसके बाद उन्हें तहखाने भीतरी कोठरी में रखा और उनके पांव काट से ठोक दिए थे. Now if there was anyone who had a right to feel sorry for themselves. अगर कोई एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति होते जो उनके लिए खुद दुख मनाने की बात करते. It had to be Paul and Silas. तो ये तो पौलुस और सिलास को ही होना था. Why? क्यों? After it was the Holy Spirit who told them to cast out that spirit of divination from that young girl. क्योंकि खुद पवित्र आत्मा ने ही इनसे कहा था कि वो एक जवान लड़की जिस पे भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी उस दुष्ट आत्मा को निकालें. It was the Holy Spirit who told them to go and preach in the city. ये पवित्र आत्मा ही खुद था जिसने उनको कहा था जाकर नगर में प्रचार करो. They were doing the will of God. और वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे. They were doing a good work. वे अच्छा काम कर रहे थे. And because of that, और इसके वजह से, they were beaten. उन्हें पीटा गया. They were shamed. उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. Their clothes were torn. उनके कपड़े फाड़ दिए गए. They were in prison like criminals. मुजरिमों जैसा उनको जेल में डाल दिया गया था. They were all right in the eyes of God. और वे पूरी तरह से परमेश्वर की नजर में सही थे. Now if you know most of us would have been there. और देखिए हम में से ज्यादातर लोग अगर वहां पर होते. We would have thrown ourselves a pity party. हम अपने ऊपर दुख और माता मारने लगते. But not Paul and Silas. लेकिन पौलुस और सिलास ने ऐसा नहीं किया. See what they did. देखिए उन्होंने क्या किया. They were beaten and in the night midnight they were singing and worshiping the Lord. और देखिए उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था लेकिन रात के समय आधी रात के समय वे गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. And guess what? और सोचिए जरा. Others were listening. दूसरे लोग सुन रहे थे. You see when in your suffering. देखिए जब आपके दुख भोगने के सत्र में. If you can make a choice to rejoice. अगर आप ऐसा चुनाव कर सके आनंद मनाने का. Many people will turn to the Lord because of you. बहुत सारे लोग प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे आपकी वजह से. This is a word for somebody. ये किसी के लिए वचन है. Hallelujah. Hallelujah. Come on somebody. चलिए कोई तो. You to say Lord I make a choice to rejoice. और आपको कहना है प्रभु मैं चुनाव करता हूं आनंद मनाने के लिए. Instead of feeling sorry for themselves they begin to worship the Lord. खुद पर मातम या दुख खेद प्रकट करने के बजाय परमेश्वर की आराधना करने लगे. You know we too have a choice. देखिए हमारे पास भी चुनाव है. We can either choose to remain in the ashes of self pity or we can rise up in faith and in the power of the Holy Spirit. कि हम खुद पर मातम मनाने वाले राख में बने रहें या फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और विश्वास में उठें. The choice is ours. चुनाव तो हमें ही करना है. Nobody can make that choice. कोई दूसरा हमारे लिए चुनाव नहीं करेगा. The second one. दूसरा है. Keep confessing the word. वचन का अंगीकार करते हैं. You see, self pity makes you to speak some rubbish. और देखिए खुद पर मातम मनाना आपको उकसाएगा कि कुछ बेवकूफी की बातें आप बोलें. Self pity is a bondage. You need to break free from that bondage. खुद पर मातम मनाना एक प्रकार का बंधन है. आपको उस बंधन को तोड़कर आजाद होना है. If you want to make a difference. In society, if you want to make a difference in somebody's life, in your family, you need to break off that hold of self-pity. अगर आप समाज में फर्क लाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति के जीवन में कोई फर्क लाना चाहते हैं, जरूरी है कि उस खुद पर मातम मनाने वाले बंधन को आप तोड़ के बाहर. Yes, you had a bad childhood. जी हाँ, बचपन से. You had a bad this thing. आपने बुरा बचपन निकाला, जो कुछ भी आपका रहा हो. You need to break that self-pity. Say, I'm not going to wallow in self-pity anymore. आपको उस बंधन को तोड़ना है. आपको कहना मैं अब खुद पर मातम नहीं मनाऊंगा. Say this loudly right now. जोर से बोलिए. I am not going to feel sorry for myself anymore. मैं अपने ऊपर और अभी दुख नहीं मनाऊंगा. I rather will use my compassion for others. इसके बजाय मैं अपना तरस दूसरों के लिए इस्तेमाल करूंगा. Lift your hands and say, God wants me to be a victor, not a victim. Say. अपने हाथ उठाकर बोलिए. परमेश्वर चाहता है कि मैं विजेता हूँ, शिकार नहीं. बोलिए. Say it everyone. God wants me to soar and not sink. परमेश्वर चाहता है कि मैं उड़ू ना कि डूबू. हालेलुया. Hallelujah. Lift your hands and say, God wants me to be an overcomer, not being wallowing in self-pity somewhere. परमेश्वर चाहता है कि मैं जयवंत हूँ, ना कि कहीं पर दुख मनाता बैठूं. You need to confess the word. आपको वचन का अंगीकार करना. You need to say scriptures like, I am an overcomer. आपको वचन का अंगीकार करते हुए कहना है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ. I am the head and not the tail. मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? So this is where you need to confess the word. यहीं पर देखिए आपको वचन का अंगीकार करते रहना. Self-pity tries to change the confession of your mouth. और आप कोशिश करना है कि आपके मुंह का अंगीकार आपको बदलते रहना है. Somebody say, I receive it. Hallelujah. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं. Are you receiving right now? अब ग्रहण कर रहे हैं. No matter what the devil speaks, you must speak what's in the word. इससे फर्क नहीं पड़ता कि शैतान आपसे क्या बोलता है, आपको बस बोलते रहना और वो बोलना है जो वचन में है. Maybe you failed in some exam, some entrance exam or whatever. You're not a failure. You don't go into that self-pity. Rise up from the self-pity. So what? I'm not a failure. हो सकता है कि आप कुछ परीक्षाओं में नाकाम रहे हों. तो क्या हुआ? आप नाकाम व्यक्ति नहीं है. खुद पर मातम मनाते मत बैठिए. ऊंचा उठना है आपको. The third thing. तीसरी चीज़. Trust his faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता पर आपको भरोसा करना है. If you're serious about your calling, if you're serious about your walk with God. अगर आप अपनी बुलाहट के प्रति, परमेश्वर के संग जो आपका सफर, उसके प्रति आप
गंभीर है. यू cannot just go on feeling sorry for yourself. तो आप बस खुद पर दुख या मातम मनाते नहीं बैठ सकते. Why this happened? Why that happened? क्यों ये हुआ? क्यों वो हुआ? You know, please listen very carefully. सुनिए ध्यान से. You know, there are some things we may never know the answer. और देखिए ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका जवाब हम कभी नहीं पा सकेंगे. Nobody can give us the answer. कोई भी हमें उत्तर नहीं दे सकता. You know, some people write to me, why this happened? देखिए कुछ लोग ऐसा लगते हैं ऐसा क्यों हुआ? I don't know. मुझे नहीं पता. When I pray for them, I don't get any answer. जब पासवान जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो इनको कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता. And some people are angry. और कुछ लोगों को गुस्सा आता है. Oh, I wrote to pastor and he says I don't know. Oh, मैंने पासवान जी को लिखा और उन्होंने तो ऐसा जवाब दिया कि मुझे नहीं पता. What kind of man of God is this? ये किस तरह के परमेश्वर का जन है? Nobody has all the answers. किसी के पास भी हर एक जवाब नहीं है. The Bible clearly says that. बाइबल साफ तौर पे बताती है. Deuteronomy 29:29 says the secret things belong to the Lord. और परमेश्वर से पासवान जी कहा करते थे प्रभु ऐसा क्यों हुआ? I used to see myself as a failure in business. अपने आप को व्यवसाय में नाकाम व्यक्ति देखते थे. And now I see. लेकिन अब देखते हैं. You know, it was not a right business also. You know, God would have allowed me to take that stuff. You see, sometimes the answers come a little later. और देखिए परमेश्वर ने अगर इजाजत दे दी थी वो कदम उठाने का सोचिए जरा क्या होता. कभी-कभी क्या होता है उत्तर जो है देरी से आता है. So don't be in self pity. तो अपने आप को दुख या खुद पर मातम मनाने भावना में मत लाएं. Don't put yourself down and say you're this and you're that. No my friend, you are God's chosen one. Hallelujah. अपने आप को इस तरह से मातम मनाते मत रहे कि ओ तुम ऐसे हो तुम वैसे हो. नहीं 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 आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति. The Lord is going to do something today right now. प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहा है. If you can receive, lift your hand and say I receive it. Hallelujah. अगर आप ग्रहण कर सकते हैं तो अपने हाथ उठा के बोलिए मैं ग्रहण करता हूं.